गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुन्ना सिंह यादव फ्रॉम सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखमिया हाजीपुर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस स्टैंडर्ड क्लास थर्ड एंड लेसन नंबर फिफ्थ एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एनिमल्स। इसकी पहली वीडियो मैंने आपको इस लेसन में जो आपके क्रिएचर्स हैं उनकी आउटर कवरिंग के बारे में मैंने बताया था, जैसे आपका स्केल्स है, सेल्स है, ठीक है, फर, हेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर खाते क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा कि जानवर क्या खाते हैं। जैसे आप क्या खाते हैं ये आप जानते हैं, उसी तरह से जानवर भी एक लिविंग क्रिएचर उसमें आते हैं और ये क्या खाते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, जानवर जो है भिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं या खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, वेयर एज सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं घास के साथ साथ घास और पेड़ की पत्तियां भी खाते हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं स्टूडेंट्स जो एनिमल्स को ही खा जाते हैं। बड़े जानवर छोटे जानवर को खा जाते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग देखिए, ये कौन कौन से एनिमल्स के फिगर हैं आपका। आप देखिए, इसमें हार्स है, काऊ है, रैबिट है, ये सीप है, ये आपका एस गधा जिसको कहते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास, कुछ तो घास खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स घास खाते हैं स्टूडेंट्स उसको हम हर्बीवोरस या शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। इसका एग्जाम्पल आपका है काऊ, ठीक, और बुफैलो, गो, डियर, ठीक है, इटीसी। दे हैव फ्लैट टीथ फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड। उनके दांत चपटे होते हैं स्टूडेंट्स और उसको उसे कतर कतर के खाते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो दूसरे को खाते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। उनको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मांसाहारी। क्या बोलते हैं? मांसाहारी। कार्निवोर्स ईट द फ्लीस ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो है दूसरे जानवरों की मांस खाते हैं। दे हैव पॉइंटेड टीथ टू टीयर फ्लीस। मांस को फाड़ने के लिए उनके दांत बड़े नुकीले होते हैं। पॉइंटेड मीन्स नुकीला। सम एनिमल्स लाइक बियर्स ईट बूथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लीस। कुछ ऐसे भी जानवर हैं स्टूडेंट्स जो पेड़ पौधों को खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ मांस भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। अब आइए, एनिमल्स हैव स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स हैव यूनिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। इनकी कुछ विशेष चाल ढाल होती है। ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट देयर फूड। देखिए, हर प्राणी को फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। आप अपने घर पर रहते हैं, आपके माता पिता पेरेंट्स वगैरह आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और इनको अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जो है घूमना पड़ता है स्टूडेंट्स। मोमेंट यूजिंग बॉडी पार्ट्स हैं, और कैसे वे किस पार्ट से मोमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर, इसे हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे ये फिगर आपका दिया हुआ है एक बर्ड्स का, बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। पक्षी अपने पंखों का यूज करके जो है उड़ती है, क्या करती है? उड़ती है। फिश स्विम्स देयर फिन्स। मछली अपने पंखों की सहायता से, फिन्स की सहायता से अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और आगे बढ़ती है, तैरती है।
डॉल्फिन्स, पेंगुइन्स एंड सील्स मूव यूजिंग देयर फ्लिपर्स। ये पक्षियाँ थोड़ा हैवी बॉडी की होती हैं, ये फ्लिपर्स की सहायता से अपने मूवमेंट को जो है कवर करती हैं। टीट सेंस, ये पेंगुइन पक्षी पेंगुइन है, डॉल्फिन है, ये सील है ना। अब आइए नीचे, वाई कैन बर्ड फ्लाई व्हेन दे फ्लैप देयर विंग्स बट वी कैन नॉट व्हेन वी फ्लैप अवर आर्म्स। कहता है जैसे पक्षियाँ, ये बच्ची है, ये थिंकिंग करती है, साइंटिफिक मेथड से सोच रही है कि पक्षियाँ अपने पंख को फैला देती हैं तो उड़ जाती हैं, हम अपने बाहों को भी फैलाएँ तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। बर्ड्स आर वेरी लाइट। स्टूडेंट्स देखिए, पक्षियों का शरीर हल्का होता है, देयर बोन्स आर हालो, उनकी हड्डी खोखली होती है। ये हड्डी क्या होती है स्टूडेंट्स? खोखली होती है। एंड दे हैव फीडर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। उनके पास पंख होते हैं जो उन्हें उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। ये थिंकिंग बच्चों की है। ह्यूमंस यूज देयर, स्टूडेंट्स ह्यूमंस यूज देयर लेग्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मानव जो है अपने पैर का इस्तेमाल या यूज करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में। सम अदर एनिमल्स सच एज डॉग्स, कुछ ऐसे भी जानवर हैं स्टूडेंट्स जैसे आपका डॉग, कैट्स, हॉर्सेस एंड काउ आल्सो यूज देयर लेग टू मूव। ये भी अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं घूमने में, चलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लीजिए इनका फिगर है, काउ है, डॉग है, कैट है ना। ये आपका व्हाट, ये आपका क्या, मंकी है। डॉग, कैट, काउ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू यूजिंग देयर फोर लेग्स। ये चार पैर होते हैं, इनको हम चौपाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौपाया बोलते हैं। मंकीज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजिंग देयर आर्म्स एंड लेग्स। ये अपने बाहों और पैरों के हिसाब से यूज हेल्प से क्या करता है, आगे चलता रहता है स्टूडेंट्स। सम एनिमल्स यूज ऑल फोर लिम्ब्स हैंड एंड लेग्स। कुछ जानवर जो है अपने चारों हाथ और पैर दोनों मिला के चार मूव टू मूव वाइल अदर मूव ऑन ओनली टू लेग्स। कुछ तो ऐसे हैं दो ही पैर पर चलते हैं, ठीक है। नून एज हिंड बैक लिम्स, इनको हम हिंड बैक लिम्ब बोलते हैं, हिंड लिम्ब बोलते हैं। दे यूज देयर फोर लिम्स फॉर अदर पर्पजेज, और इनके जो फोर लिम्स होते हैं कुछ अन्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। मूवमेंट यूजिंग इंटायर बॉडी है ना, इससे पूरी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। लुक एट दिस अर्थवर्म्स, कहता है देखिए ये आपका केचुआ है, ठीक है। इट हैज नाइदर लेग नॉर विंग्स आर फिन बट इट कैन मूव। इसके पास ना तो पंख होते हैं ना तो पैर होता है, ठीक है, फिर भी ये गति करता है। हाउ इज दिस पॉसिबल, या कैसे संभव है। सम एनिमल्स यूज देयर होल बॉडी, स्टूडेंट कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने पूरी बॉडी के इस्तेमाल मूवमेंट में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसी आपका है अर्थवर्म केचुआ है ना, स्लेंडर ग्लास लिजर्ड है ना, ये आपका है स्नेक सर्प जिसे आप सांप कहते हैं, ये लीच मीन्स जोंक होता है, क्या होता है, जोंक है ना। ये दे कैन मूव थ्रू देयर मसल्स है ना, ये अपने मांसपेशियों के सहारे जो है आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। और इस तरह से आपका यह लेसन समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। आप लोग जो है इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो वर्ड मीनिंग हम लोग लिखवाते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप याद करेंगे तो ये लेसन को आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।